नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता समाचार, जनता के लिए जनता की आवाज। तो आइए खबरों का सिलसिला जारी रखते हैं। पिछले दिनों ऑटो चालक की पिटाई वाली हैवानियत को भी तार तार कर देने वाले हृदय विदारक घटना के मुख्य आरोपियों में से एक गुड़ी महाराज को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिनों पूर्व ही इस नर पिशाच ने एक गरीब ऑटो चालक को बहुत ही बेरहमी से पीटा था। इस घोर अमानवीय कृत्य में आधारताल पुलिस भी सवालों के घेरे में है। बताया जाता है कि इस आरोपी के ऊपर पहले से भी कई आपराधिक मामले चल रहे हैं और वो जमानत पर बाहर था। सोचने वाली बात यह है कि समाज के लिए खतरा बने इन नर पिशाचों को हमारी न्यायिक व्यवस्था, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था पूर्व में ही गंभीरता से क्यों नहीं लेती। हमारी लचर व्यवस्था के कारण ये अपराधी अपराध करके भी बेखौफ घूमते हैं। कोटे की दुकान के आवंटन को लेकर उत्तर प्रदेश के बलिया में स्थित दुर्जनपुर में गुरुवार को खुलेआम गोलियां चली। मारे गए जयप्रकाश पाल के भाई तेज प्रताप पाल का आरोप है कि आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह भाजपा का नेता है और विधायक सुरेंद्र सिंह का खास है। उसके दबाव में पुलिस ने पकड़ने के बाद भी आरोपी को भगा दिया। उधर विधायक सुरेंद्र सिंह ने इस मामले में विवादित बयान दिया है। उन्होंने इस घटना को क्रिया की प्रतिक्रिया बताया। अपने बयानों को लेकर अक्सर विवादों में रहने वाले बरैया विधानसभा के विधायक सुरेंद्र सिंह बलिया फायरिंग कांड में भी विवादित बयान दिया। उन्होंने बातचीत के दौरान बताया कि अगर कोई परिवार पर हमला करेगा तो उसके सामने क्रिया की प्रतिक्रिया देगा ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अक्टूबर को गया में चुनाव सभा को संबोधित करेंगे। भाजपा जिलाध्यक्ष धनराज शर्मा ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की यह सभा गया के गांधी मैदान में आयोजित की जाएगी। इसमें एनडीए के सभी प्रत्याशी रहेंगे। इस सभा में भाजपा प्रदेश स्तर के कई नेता भी मौजूद रहेंगे। मालूम हो कि पहले चरण में 28 अक्टूबर को मतदान होना है। बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने फिर एक बार स्पष्ट किया कि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी से बिहार चुनाव में एनडीए के साथ कोई संबंध नहीं है। लोकसभा में भले एलजेपी एनडीए के साथ है, इससे बिहार चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पहले भी कहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी का इस विधानसभा चुनाव में हमारे साथ कोई गठबंधन नहीं है। और इसके पहले जब महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी की सरकार थी, उस समय भी शिवसेना गुजरात में नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। ये एक सामान्य बात है कि शिवसेना केवल महाराष्ट्र में, गुजरात में नहीं, बल्कि सभी राज्यों में हमारे खिलाफ चुनाव लड़ती रही है, जबकि महाराष्ट्र में वो सरकार में शामिल थे। उसी प्रकार अकाली दल पंजाब में हमारे साथ शामिल थे या केंद्र में शामिल हैं, लेकिन दिल्ली और हरियाणा के चुनाव में हमारे खिलाफ चुनाव लड़े। तो हमारा गठबंधन लोकसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी के साथ था, लेकिन विधानसभा चुनाव में हमारा कोई गठबंधन नहीं है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के मेडिकल कॉलेज में पुरुष डॉक्टर के द्वारा महिला की नॉर्मल डिलीवरी कराने का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। इसे लेकर आशा बहुओं ने गुरुवार शाम जमकर हंगामा किया। आशा बहुओं का आरोप है कि महिला डॉक्टर होने के बावजूद महिलाओं की डिलीवरी पुरुष डॉक्टर करा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज प्रशासन कार्रवाई की जगह आशा बहुओं के आरोप से अपना पल्ला झाड़ रहा है। हाथरस के बाद बाराबंकी में एक दलित बालिका के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला प्रकाश में आया है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित युवती के साथ कथित दुष्कर्म के बाद बाराबंकी में इस तरीके की घटना से सनसनी फैल गई है। यहां के सात्रिक थाना क्षेत्र में धान काटने गई 15 वर्षीय दलित बालिका के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हाथरस मामले में जहाँ सीबीआई जाँच चल रही है, वहीं बाराबंकी के केस में अभी आरोपियों की तलाश जारी है। किशोरी की हत्या दुष्कर्म के बाद की गई थी। यहां पर डॉक्टरों के पैनल व वीडियोग्राफी में हुए पोस्टमार्टम की में दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। मुकदमे में पुलिस ने दुष्कर्म की धारा बढ़ा दी है और कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वारदात के बाद गांव में एहतियातन पुलिस बल तैनात है। आईजी अयोध्या डॉक्टर संजीव गुप्ता ने भी घटनास्थल का जायजा लिया और परिवारजनों के बयान को दर्ज करवाया है। क्षेत्रीय सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार को सांत्वना दी है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कराए जाने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि सरकार को बदनाम और अस्थिर करने की कोशिश करने वाले अराजक तत्वों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। सांसद जी ने कहा कि घटनास्थल पर पुलिस प्रशासन पूरी संजीदगी के साथ लगा हुआ है। उम्मीद है कि जल्द ही वारदात का पर्दाफाश होगा। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को गाँव में शांति व्यवस्था कायम रखने और पीड़ित को न्याय दिलाने को कहा है।
बिहार चुनाव में गर्मा गर्म गहमा गहमी के बीच एक बड़ी दिलचस्प सी घटना सामने आई है। यहाँ के दो शराबियों ने खुद ही बिहार सरकार के तमाम शराबबंदी के प्रयासों की धज्जियां उड़ा दी। आइए सुनते हैं उन्हीं के जुबानी कुछ बातें। दारू हम लोग तो वहाँ पीते हैं लेकिन हमेशा मिलता है। कहाँ मिलता है? यही नहर के पास में। नहर के पास? हाँ। क्या हिसाब? लेकिन हमारे सर जो है, क्या हिसाब मिलता है पहले रेट तो बताओ। हमारे पास भी फोन आ रहा है 20-25 रुपया शीशा वाला गिलास। शीशा वाला गिलास में रेट चलता है। तो ये सब लेकिन पुलिस तो कहता है कि सब बंद हो रखा है। बंद कहाँ है? बंद है, बंद होगा? कोई नहीं, पता ही बंद नहीं होगा। हम आपको यहाँ पर कहीं भी बंद नहीं होगा। सरकार चाहिए नीतीश से बड़ा सरकार यहाँ पे कोई भी नहीं है। अच्छा ये बताओ लेकिन वही नीतीश कुमार तो तुम्हारा बोतल बंद करवा दिए। तो बोतल से क्या मतलब है? मिल रहा है फिर भी? मिल रहा है, अभी भी मिल। 6 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक वेस्ट रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन द्वारा बोनस अधिकार सप्ताह मनाया गया। उसके अंतिम दिन एसोसिएशन ने अपनी कई मांगों को लेकर महाप्रबंधक के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा 6 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक बोनस अधिकार सप्ताह मनाया गया था। आज उसका अंतिम दिवस है। साथ ही साथ हमारे ट्रैक मशीन भाइयों के लिए हमने 25/9/2020 को महाप्रबंधक को ज्ञापन दिया था जो ट्रैक मशीन की समस्याएं हैं उनको दूर किया जाए, उनको 21 दिन का रोस्टर लागू किया जाए, उनको कैंपिंग कोच की सुविधा दी जाए। इन सब बातों को लेकर आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही साथ बोनस हमारा अधिकार है। हम अब 2019-2020 मार्च अप्रैल 2019 से लेकर मार्च 2020 तक का बोनस मांग रहे हैं। अगर सरकार ने बोनस नहीं दिया रेल कर्मचारियों को, बोनस जो उनका अधिकार है नहीं दिया, तो हर रेल का चक्का जाम करने से भी ऑल इंडिया रेलमैन फेडरेशन वेस्ट सेंट्रल एम्प्लॉयज यूनियन पीछे नहीं हटेगी। इसी को लेकर आज ये कल से जगत जननी महा दुर्गा माता रानी का नवरात्र शुरू हो रहा है। प्रथम दिन शैलपुत्री देवी दुर्गा के दर्शन किए जाते हैं और उनकी आराधना की जाती है। शैलपुत्री देवी दुर्गा 9 रूपों में सबसे पहले स्वरूप के रूप में जानी जाती है। यही नव दुर्गा की प्रथम दुर्गा है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। माँ शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ था। माता शैलपुत्री के मंत्र हैं: शिव रूपा वृषवाहिनी हिम कन्या शुभंगिनी पद्म त्रिशूल हस्त धारिणी रत्नयुक्त कल्याणकारिणी ओम हैंग ह्लीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। और इनका बीज मंत्र है: हिम शिवाय नमः। जनता के लिए जनता की आवाज। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।